नहीं तो एग्जाम नहीं, ये कहना है स्कूल का, जबकि अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन है अभी तो कैसे दे फीस। विगत दिनों से जारी लॉकडाउन के बीच स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब अभिभावक एकजुट होने लगे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को सिरसा स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। रोजी रोटी की विकट समस्या के बीच स्कूल द्वारा नोटिस दिया जा रहा है कि फी जमा नहीं हुआ तो एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। ऐसे अभिभावक क्या कर सकते हैं? उनका कहना है कि स्कूल का रवैया तानाशाही है, स्कूल अभिभावकों के साथ कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। अगर स्कूलों के रवैये नहीं बदला तो इसके खिलाफ अभिभावक आंदोलन करेंगे। हम लोग को बार बार सेंट ट्रेसा स्कूल भागलपुर में मेरी दो बच्ची पढ़ती है, और यहाँ से बार बार ये पूछ फीस के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर फीस सबमिट नहीं हुआ तो आप लोग को ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया जाएगा, लिंक नहीं भेजा जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी लॉकडाउन में अगर सबके लिए लॉकडाउन है तो क्या उनके लिए लॉकडाउन नहीं है? क्या छोटे व्यापारी जो अभी जो रोज के कमाने खाने वाले हैं वो कहाँ से फीस भरे? वो कहते हैं टीचर को सैलरी देनी है। हम ये पूछते हैं, हम व्यापारियों को, कमाने वालों को, प्राइवेट जॉब वाले को सैलरी कौन देगा? 10 से 15 बच्चा रहते हैं और सेंट ट्रेसा स्कूल के एक सेक्शन में 80 से 90 बच्चा है। कौन सी पढ़ाई हो रही है सिर्फ फीस लेने के लिए? नाम का ऑनलाइन क्लास है, पूरे दिन में 1 या 2 क्लास चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता है। उसमें भी कभी मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम है, कभी कट गया, कभी मैम भूल गई क्लास लेना। हम तो कभी नहीं देखे हैं कि आज मेरे दो बच्चे हैं उनका कभी रेगुलर क्लास चला। नगर विधायक अजीत शर्मा ने भी अभिभावकों से ज्ञापन मिलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अविलंब फीस माफ करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है। विधायक ने कहा कि कई राज्यों में वहां की सरकारों ने निजी विद्यालय के मनमानी पर रोक लगाते हुए लॉकडाउन के अवधि में बंद पड़े स्कूलों को फीस नहीं लेने का निर्देश दिया है। विधायक ने कहा कि अगर विद्यालय पूरा नहीं तो कम से कम 75% स्कूल फीस की राशि माफ कर दे। मार्च के बाद जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में। और अभी क्या कह रहा है स्कूल कि 3 तारीख को लिंक भेजना है, जो कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई शुरू करने के लिए, तो लिंक कह रहा है जब तक आप फीस जमा नहीं करोगे तब तक लिंक नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस समय लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे के मामले में टूटे हुए हैं, और अभी जब स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई तो फीस किस बात कर लेंगे प्राइवेट स्कूल। आपको चूंकि 3 तारीख का मामला बहुत नज़दीक है, इसलिए आपको संज्ञान लेना चाहिए, आपको निर्देश देना चाहिए। और भी कई स्टेटों में फीस माफ़ हुआ है। अभी इस महामारी, कोरोना महामारी के वक्त में, बाढ़ के जो भयावह स्थिति है, इसमें आपको निश्चित तौर पर प्राइवेट स्कूल पर एक निर्देश जारी करना चाहिए कि फीस माफ़ करें।